के अलीगढ़ में पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर विश्व युद्ध परिषद ने पाकिस्तान का झंडा फूंका, पाकिस्तान पीएम का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल गांधी पार्क थाना क्षेत्र के आंचल तालाब पर भारी तादाद में इकट्ठा होकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए पीएम इमरान खान का भी पुतला फूंका गया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष गौरव ने कहा कि पाकिस्तान में रह रहे सिख समाज के लोगों की सुरक्षा की जाए, वहीं गुरुद्वारे पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही भी होना चाहिए। विरोध के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा की जाए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में आंचल तालाब पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। पुतला फूंकने के बाद एक ज्ञापन ACM को भी हिंदू महासभा द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है। क्या गया था, क्या है मामला? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कल पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर जिहादियों द्वारा या कहूँ मुसलमानों द्वारा उस धर्म स्थल पर पथराव किया गया। वहाँ लगभग 125 से 150 सिख समुदाय के अनुयायी और सिख समाज को मारने वाले लोग वहाँ पूजा स्थल अपने धर्म स्थल पर आए थे, उन पर हमला किया गया और एक मांग की गई कि हम पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब को नहीं रहने देंगे, इस गुरुद्वारे को हम यहाँ से हटाएंगे और इसके स्थान पर एक मस्जिद बनाएंगे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बनाना चाहिए और दबाव बनाकर कहना चाहिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाए। आयोजन आज का विश्व हिंदू परिषद अलीगढ़ महानगर और बजरंग दल अलीगढ़ महानगर ने किया। हम तो अलीगढ़ के एक राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वास्तविकता यह है कि जो कट्टरवादी इस्लाम है उसका बड़ा घिनौना चेहरा कल सामने आया, जब सिखों के सबसे बड़े तीर्थ ननकाना साहब पर योजनाबद्ध रूप से हजारों लोगों ने हमला किया। वहाँ अखंड तख्त साहब को और गुरु ग्रंथ साहब को भी अपमानित किया गया, वहाँ के यात्रियों को जानमाल से हानि पहुँचाई गई। ये एक बहुत दुखद है और ये इस्लाम का वास्तविक चेहरा है। हजारों साल हमने भारत में भी देखा कि यही सब इस्लाम ने किया, हजारों मंदिरों को तोड़ तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनाई और आज के समय में इस तरह का चेहरा सामने आना ये बहुत निंदनीय और बहुत खतरनाक दिशा की तरफ इशारा करता है। किस तरीके का विरोध किया? देखिए, आज बच्चों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान का झंडा जलाया है और वहाँ के प्रधानमंत्री जो इमरान खान हैं उनका पुतला फेंक चुका है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो समाज में अशांति फैलने का खतरा है और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके ननकाना साहब और सिख तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से करनी पड़ेगी, वरना शहर में समाज में स्थायी रूप अशांति फैल जाएगी और यह अशांति भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा खतरा बन सकती है। अरे, इसमें पाकिस्तान में जो नाम साहिब गुरुद्वारा है